السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. No answer? Loudly. Loudly. One time more. इसको बोलते अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे. सब अच्छे हैं आप लोग? अच्छे हैं नहीं आप लोग? यकीन है आप लोग अच्छे हैं बोल के? पक्का? शाबाश. आपको भी यकीन होना चाहिए कि हम अच्छे बच्चे हैं, है ना? हो बेट, आज हम लोग यहां पर क्यों जमा हुए हैं नहीं मालूम. बुलाए हम लोग आ गए. बुलाए हम लोग आ गए. लेकिन आज जब यहां आए हुए हैं तो कुछ सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह. पक्का? कौन कौन सीखना चाह रहे हैं? वाह 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 शाबाश, वेरी गुड गर्ल्स बॉयज, माशाल्लाह. एक दो चुन्नू, चार पांच आ जाओ तुम लोग. जरा जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, क्विक 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 क्विक, जल्दी आओ जल्दी आओ. आप यहां डरो. वाओ, आप यहां डरो, आप यहां डरो, आप यहां. ओ दुबलू पतलू, ये पतलू है मोटू पतलू. ओ बस 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 बस, माशा जज्बा देख कैसा है माशाल्लाह. ये बच्चे हैं, ये कौन है बेटा? ये लोग जरा दूर दूर ठहरो, थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस थोड़ा. हाँ ओके 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 ओके. ये सब बच्चे हैं माशाल्लाह. हाथ ऐसा करो, ऐसा करो, सब ऐसा करो. ओह, इनके हाथ में फॉर एग्जाम्पल एक चाय का कप है. क्या है इनके हाथ में? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो आप लोग. क्या इनके हाथ में? चाय कप है. इनके हाथ में ग्लास है. क्या है? उनके हाथ में लोटा है. के पास जो है वो भरता, जिसके पास जो है वो भरता. इनो घर को कितना पानी लेकर जा रहे हैं? इनो कितना लेकर जा रहे हैं घर को पानी? इनो कितना लेकर जा रहे हैं? 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 वो तो मतलब जिसके पास जितना बड़ा है उतना वो लेकर घर को जाएंगे. ओके समझ में आया? तो बेटा अगले आधे घंटे में तुम लोगों पर नॉलेज की बारिश होने वाली है. अब आपके पास अगर छोटा कप है तो उत्ताच लेकर घर को जाने वाले हैं आप लोग. अगर ग्लास है तो उत्ताच लेकर जाने वाले हैं. लोटा है तो, बकेट है तो, टैंक है तो. तो अब आप डिसाइड करो आपके पास छोटा कप है या टैंक है. क्या है? पक्का? पक्का पक्का पक्का? यस. तो अब आपके पास टैंक है, टैंक लेकर घर को जाने वाले आप लोग इंशाल्लाह. अच्छा, ये कप है औंदा है, ग्लास है औंदा है, फिर ये लोटा है औंदा है, ये बाल्टी है औंदी है, टैंक है औंदा है. कुछ मिलने वाला है इनको? ए बोलो, कुछ मिलता नहीं? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? औंदा है, उल्टा है. अगर आप लोगों के भी जो टैंका है अगर उल्टे है तो कुछ मिलता? नो. तो अब आपका टैंक सीधा है उल्टा है? जल्दी बोलो, टैंक उल्टा है सीधा है? सीधा रखना, उल्टा नहीं करना, ढक्कन बंद नहीं करना, खुला रखना. अब इंशाल्लाह उसमें पानी जाने वाला है, नॉलेज जाने वाला है. चलो बैठ जाओ, शाबाश, गुड बॉयज. अब देखें कौन टैंक भरने वाले इंशाल्लाह. अच्छा भाई, आप लोग छोटे 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 चुन्न मुन्नू हैं, बड़े बड़े हैं तुम लोग? कैसे तुम लोग? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. आप लोग छोटे हैं बड़े हैं? वो फीलिंग्स देखो आप. न्यू जनरेशन, वो आप भी समझ रहे कि हम बड़े हैं. तो ये है जनरेशन. तो इन लोगों को वैसे ही ट्रीट करना पड़ता. इनकी फीलिंग कैसी है? हम बड़े हैं मुलसाब, हम छोटे नहीं हैं. ओके यस, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा. हाँ अच्छा भाई, अब यहां पर हम लोग आए हुए हैं. अब जरा देखो बेटा, ये क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? पक्का फोन है? लिखा हुआ इसके ऊपर?
नहीं लिखा हुआ ना? अच्छा ये फोन कौन सा रहेगा? जनरल जीके जीके, आई एम करेक्ट, हाँ आई एम लिसनिंग द जीके, हाँ ओके ये फोन है, ओके okay? अच्छा भाई ये फोन सबसे पहले 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 मर्तबा जब बनाया था, बनाने वाला उसका मकसद क्या था बनाने का? क्या मकसद क्या था उसका, रीजन क्या था? शाबाश, क्या करना? बात करना, अम्मी से, अब्बू से, नाना से, नानी से, चाचा से, चाचू से, दादा से बात करना था, ओके okay? बात करना था। वो फोन बढ़ते 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 अब ऐसा बना, इसमें फोन के साथ साथ और क्या कर सकता हूं मैं? वाओ, देखो जो माइंड में उनके रहता ना वो फटाका रहता, माशाल्लाह इसी को देख के अपने को गाइड करना रहता। क्या करते इसमें? गेम खेलते। और क्या करते बेटा? व्हाट्सएप देखते, वीडियोग्राफी करते, मोल साहब को बयान रिकॉर्ड करते, फिर थोड़ा इंस्टा मालूम वो भी करते, समझे ना, कुछ फेसबुक करते, कुछ हजारों काम अब कर सकते बेटा इस फोन के जरिए, ओके हजारों काम इसमें कर सकते। अच्छा मान लो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा चुनमुन लड्डू, इधर बेटा चल लड्डू है हमारा, अच्छा हाँ। अब इनो फॉर एग्जाम्पल एक मुल साहब का बयान जबरदस्त चल रहा था, अब इनो क्या कर रहे थे मालूम? ऐसा वीडियोग्राफी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इसकी कैसा करते वीडियोग्राफी? हाँ कर रहे थे, ओके। करते वक्त अचानक फोन आ गया तो वीडियो स्टॉप होता या रिकॉर्डिंग होती रहती? बोलो, स्टॉप हो जाता। ओ कट। अब इनो क्या कर रहे थे? क्या नाम आपका? जैद, जैद लड्डू, सॉरी बजद बच्चा। अब जो है इनो क्या कर रहे थे मालूम? जबरदस्त दस एक मौल साहब का बयान सुन रहे थे, जुम्मा का बयान, साबिर मौल साहब का बयान सुन रहे थे, जुम्मा का बयान सुन रहे थे। अब सुनते सुनते अचानक कॉल आ गया तो वीडियो स्टॉप होता चलते रहता? क्या होता? स्टॉप होता। वीडियो क्या हो जाता? स्टॉप हो जाता। हाँ तो हम इसमें एक्स्ट्रा जो भी काम करते थे और काम करने के बीच में कॉल आ गया तो दूसरे कामों को फोन क्या कर रहा है? जल्दी बोलो, क्या कर रहा है फोन? स्टॉप कर रहा है। और असल काम क्या कर रहा है? उन्हें स्टार्ट कर रहा है। असल काम क्या करता है? उन्हें स्टार्ट। असल काम क्या था इसका? बात करना। असल काम क्या था? बात करना, ओके। देखो कॉल आ गया, समझे ना? अब कॉल आ, जब कॉल आ गया तो अब दूसरे काम में क्या करता है? इन्हें रोक देता। अब कॉल देखो, मुझे कॉल आ गया, मैं रिसीव करा, अब कॉल यहां से स्टार्ट हो गया। ओह, तो मतलब फोन इतना समझदार, दीनदार, अच्छा बच्चा है इन्हें कि इसको जिस काम के लिए पैदा किया गया था वो काम स्टार्ट होते ही दूसरा काम क्या करता है? इन्हें स्टॉप कर देता। दूसरा सारे काम क्या करता है? इन्हें स्टॉप कर देता। ओ फोन असल काम स्टार्ट होता है, दूसरे काम रोक देता है, असल काम स्टार्ट करता है। गुड, माशाल्लाह। अच्छा भाई, अच्छा बच्चों ये बताओ अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया? शाबाश, कौन बोले? बहुत प्यारा बच्चा, अल्लाह की ये बात करें हमको पैदा किया, कोई आयत हो सकती इसके बारे में? यस बेटा, आयत क्या है? वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने क्यों पैदा किया इंसानों को? अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ओके। हमको अल्लाह क्यों पैदा किया? उसकी इबादत करना उसका मकसद है, ये पैदा किया। अब हम ऑफिस में काम करते रहते, स्कूल में जो है कुछ काम करते रहते, दुकान में काम करते रहते और फैक्ट्री में काम करते रहते और जो है कहीं भी घर में बैठ के कुछ देखते रहते, अचानक अल्लाह तबारक व तआला का हय्या अलस सला حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ। اللہ کا کال آ جاتا ہے, اللہ کا کال آنے کے بعد ہم جو دوسرے کام کر رہے تھے وہ چھوڑنا نہیں, چھوڑنا
और वो छोड़ के अल्लाह की उस कॉल को एक्सेप्ट करना नहीं करना, और अल्लाह के कॉल को एक्सेप्ट करके नमाज पढ़ने जाना नहीं जाना। लेकिन बेटा ऐसा हम कर रहे हैं, कुछ करते होंगे लेकिन अक्सर बेशतर क्या करते बेटा, नहीं करते। तो हम सही है गलत है, हम गलत है। लेकिन फोन क्या था, सही था उन्हें, क्यों उसका काम शुरू होती सारे काम रोक देता, लेकिन हम लोग नहीं रोक रहे हैं। आइंदा से जब कभी अल्लाह का कॉल आ जाए तो हम उस कॉल को रिसीव करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। दोस्त का कॉल आ जाता है उसमें मिस कॉल है, फौरन पलटा के हम करते। अब दोस्त का कॉल आ रहा है, हम पढ़ते बैठे हुए फौरन रिसीव करते, अल्लाह का कॉल आता है, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, अस्सलातु खैरुम मिनल नौम। अल्लाह का कॉल आता फिर भी हम लोग रजाई ओढ़ के मस्त सोते रहते, ऐसा करना नहीं करना। क्या करना, उठ जाना। आज के बाद इंशाल्लाह कौन कौन उठेंगे हैंडस करो, शाबाश। क्या प्यारा बच्चा है बच्चों, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह। तो पढ़ेंगे आप लोग, कितने टाइम पढ़ना है, पक्का पक्का? अच्छा तुम आओ जीत रहो। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम आपका, फैजान है, अब आप बैठो, फैजान है। अब उसके बाद आप आओ जी, आप पीछे आ जाओ, वहां ठहरो। क्या नाम आपका, साकिब है, इनो फैजान है, इनो साकिब है, दोनों आप एक इनो एक। अच्छा बेटा आपको साइकिल चलाना, साइकिल 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 चलाना आता, पक्का? ओके, फैजान के पास साइकिल है, इन्हें रोजाना साइकिल पे स्कूल को जाते और स्कूल को जाके फिर साइकिल से वापस आते, फिर साइकिल पे स्कूल को जाते, जाओ जी भागो जल्दी, फिर स्कूल से वापस आते। अब क्या हुआ मालूम, इनकी साइकिल पंचर हो गई। तो साइकिल क्या हो गई इनकी, पंचर हो गई। अरे तो साइकिल पंचर हुई तो कहां जाते, कहां जाते, साइकिल की दुकान को जाते, कहां जाते, साइकिल की दुकान जाते, पंचर बनाने साइकिल की दुकान को जाते। अब इनो फैजान की साइकिल पंचर हो गई, हमारे पंचर वाले पाशा भाई की साइकिल दुकान यहां पर है, थोड़ी देर तक, बाद में नहीं बोला इनको पाशा भाई बोल के, समझे ना। अब इनो आते साइकिल लेके, अस्सलाम वालेकुम पाशा भाई, मेरी साइकिल पंचर हुई भाई, जरा बना के रखो। ठीक है, मतलब नाम भूल गया मैं आपका, फैजान। ठीक है फैजान भाई, बना के रखता हूँ, ठीक है कब आना, आधे घंटे में आना, जाओ घर को जाओ। अब घर को जाने के बाद आधा घंटा कब हो रहा, आधा घंटा कब हो रहा, साइकिल लेने जाना है, साइकिल जो उनको अंदर से रहता हूँ। अब आधा घंटा होते ही आए, सलाम पाशा भाई क्या हुआ, साइकिल बन गई, हाँ मौल साहब बन गई, साइकिल ले लो, पैसे कितने हो ले लो, चलो साइकिल लेके घर को चले गए। अब आधे रास्ते को नहीं गए, हवा निकल गई, साइकिल की हवा निकल गई। अब फिर गुस्से में आके फिर आए, क्या पाशा भाई आप साइकिल कैसा बने, पूरी हवा चली गई। इन्हों बोले फैजान भाई पंचर बनाया मैं, फिर हवा क्यों निकली, नहीं 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 आपके साइकिल में पांच पंचर थे, कितने पंचर थे, पांच पंचर थे, फिर आप क्या बने, नहीं मैं दो बनाया, हाँ तीन छोड़ दिए, क्या पाशा भाई अकल है नहीं है। फैजान भाई अकल है मुझे, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहे थे, फैजान भाई आपके साइकिल में पांच पंचर थे, मैं दो पंचर बना के तीन छोड़ दिया, तो साइकिल चली आपकी, चली, चलती, नो नहीं चल सकती। तो देखो पांच पंचर है, दो बना के तीन छोड़े तो साइकिल नहीं चलती, अच्छा तीन बना के दो छोड़े तो, अच्छा चार बना के एक छोड़े तो, एक बना के चार छोड़े तो नहीं चलती। जब आपकी साइकिल पांच पंचर में से दो बना के तीन छोड़े तो नहीं चलती। अल्लाह भी पांच टाइम नमाज पढ़ो बोला, आप सिर्फ दो टाइम पढ़ रहे हैं, स्कूल में है तो जोहर पढ़ ले रहे हैं, घर में अम्मा जाओ जब तो मगरिब पढ़ ले रहे, खलास बाकी तीन टाइम क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दे रहे हैं आप। तो आपकी गाड़ी चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए।
तो पांच पंचर है तो पूरे पांच पंचर बने तो गाड़ी चल सकती, नहीं तो नहीं चल सकती। पांच टाइम नमाज पढ़ना है तो पूरे पांच टाइम पढ़ना तो अल्लाह एक्सेप्ट करता, अदरवाइज गेट लॉस्ट बोलता, नहीं चल सकता अल्लाह ताला के पास बेटा। तो कितने टाइम पढ़ेंगे नमाज? पक्का पांच पढ़ेंगे? कितने टाइम पढ़ेंगे पाशा भाई, मतलब प्यारा बच्चा है जी, हाँ तो कितने टाइम पढ़ेंगे अपन? पक्का पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो बेटा शाबाश, वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा भाई, अब अगर अपन रोजाना अच्छे काम कर रहे हैं, ओके बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता बेटा मालूम? अब जो है मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहाँ हैं, आप लोग यहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं? आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? मस्जिद खरीला में पढ़ रहे हैं आप लोग, ओके। ऐसा दिल आपका साफ है माशाल्लाह, पानी साफ है, पी सकता हूँ? बोलो यस, बोलो हाँ पी सकता हूँ। अच्छा साफ सुथरा है, अच्छा है, यस। तो अब आपका दिल भी ऐसे पाक साफ है, क्यों? आप अरबी पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अम्मी बात सुन रहे हैं, काम कर रहे, सब कर रहे हैं, तो आपका दिल ऐसे पाक साफ रहता बेटा। लेकिन अगर आप लोग जिस दिन नमाज छोड़ के अगर आप लोग घर में बैठ के रील देखना शुरू करे, क्या हुआ इन्हें? फिर वीडियो देखे और काला, फिर लड़ाई करे भाइयों से और काला, फिर दूसरे दोस्तों का बिस्किट चुराए और काला, अम्मी को झिड़कियां दिए और काला, हाँ तो जितने गुनाह करते जाते बेटा ऐसा दिल आपका काला हो जाता। लेकिन पहले दिल कैसा था आप लोगों का? पहले कैसे था? पहले आपका दिल ऐसा गोरा था। तो आपको काला दिल होना, गोरा दिल होना? अल्लाह को काला दिल पसंद, गोरा दिल पसंद? जन्नत में काला दिल जाता, गोरा दिल जाता? हाँ, तो अपने को ये दिल कहां जाता? अपने को जाना कहां है? बट ऐसा दिल हम नहीं रख रहे हैं। नमाज छोड़े काला होता बेटा, कुरान नहीं पढ़े काला हो जाता, खाना खरीद पर दुआ नहीं पढ़े काला हो जाता, सोने से पहले दुआ नहीं पढ़े काला हो जाता, लड़ाई करे काला हो जाता, चुराए काला हो जाता, वीडियो देखे काला हो जाता। काला हो गया तो समझो हम कहां जाने वाले हैं। तो दिल कैसा रखना है अपने को? इंशाल्लाह गोरा गोर रखना है। तो गोरा दिल रखना बोले तो झूठ बोलना, लड़ाई करना, नमाज छोड़ना, कुरान छोड़ देना, चुराना, मारना ऐसे नमाज में, ढकला देना नमाज में, पीछे खड़े के चुमटा लेना, नो। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो ऐसा दिल, अगर ऐसा बन गया तो अच्छा। पता आप लोगों को जन्नत में क्या मिलने वाला है? जन्नत में क्या मिलता? वाओ, जन्नत में ऐसा आराम। स्कूल को जाने का है नहीं जन्नत में, नो स्कूल, छुट्टी, एग्जाम नहीं, नो एग्जाम, नो होमवर्क, वाओ, नो रबी, वाओ। देखो इसमें बच्चे के अंदर क्या हो, क्या पूरा निकल गया था। प्राण नहीं, अरबी नहीं, अब यहां अम्मा अरबी जाओ बेटा, अरबी जाओ बेटा, वाह अम्मी अरबी जाना, नमाज जब नमाज को जाना, वहां नमाज भी नहीं, वाओ कुछ भी नहीं, क्या है फिर? खाना खेलना। अच्छा इन लोगों को, तुम लोगों को झाड़ू देना भी नहीं यहां पर जन्नत में? झाड़ू देना भी नहीं, कपड़े धोना भी नहीं, बर्तन धोना भी नहीं, वाह पकाना भी नहीं है। अब यहाँ वो पकौड़े, ये पकौड़े, धूप मेरे, सर्दी रे, गर्मी रे, चूल्हे मेरे, धुआं रे, वो रे, बा, 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 कुछ भी नहीं।
यहाँ कपड़े धो रहे रोजाना, दो दिन में, तीन दिन में झाड़ू धो रहे, घर धो रहे, वो करो रहे, कुछ भी नहीं। क्या एंजॉय रहेंगे आप जन्नत, माशाल्लाह। ऐसी जन्नत में जाने वाले हैं हम लोग इंशाल्लाह। तो रेडी है नहीं आप लोग? यस रेडी है तो काम अमल करना, नहीं करना? करना बेटा, अमल करे तो जन्नत मिलने वाली है बेटा, याद रखो। अगर अमल नहीं करोगे तो हाँ, दिल अगर अच्छा रखना चाह रहे हैं, साफ रखना चाह रहे हैं, आप स्कूल को जा रहे नहीं जा रहे आप लोग? ओके, साथ साथ में अरबी को जा रहे नहीं जा रहे हैं? मकतब जा रहे नहीं जा रहे हैं? कुरान पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ बेटा, इसको मिस नहीं करना बेटा। ये स्कूल पढ़ो जरूर, लेकिन मकतब मिस नहीं करना है, दुआएं मिस नहीं करना है, कुरान मिस नहीं करना है। क्यों? अब देखो तुम लोग, जब जब मान लो फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते, ये कौन है? ये जैद है, जैद है। अच्छा, स्कूल गए ना, टिंग मैथ्स अंदर चले गया, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, स्कूल चले गए, इंग्लिश टिंग अंदर चले आता, फिर सोशल टिंग अंदर चले आता, फिर जो है वो कन्नड़ अंदर जाता, फिर ये हिंदी अंदर जाता। इन्हें जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रहता, एग्जाम होते ही निकल के गया तो फिर पलट के आता नहीं बेचारा उन्हें। समझे? एग्जाम के बाद सब भूल जाते, तुम लोग याद कुछ भी नहीं रहता तुम लोगों को। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक अंदर रहता, एग्जाम होते ही निकल के बाहर। इंग्लिश पेपर लिख के आ गए, खलास, सर से निकाल के फेंक दिए, बस एग्जाम हुए तक अंदर, एग्जाम होते ही बाहर। लेकिन बेटा अगर आप लोग यहां पर मकतब में आके माशाल्लाह पढ़ रहे हो अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये अंदर जाके घुल जाती ने, क्या होती ने? खुल जाती। पानी क्या होता उसके बाद? पानी क्या होता? मीठा हो जाता। तो बेटा आपके अंदर साइंस जा रहा है, पानी को मीठा नहीं कर सकता उन्हें। अंदर सोशल जा रहा है, पानी को मीठा नहीं कर सकता बेचारा। अंदर कन्नड़ जा रहा, पानी मीठा नहीं कर सकता, लेकिन शक्कर गई तो मीठा हो जाता। तो ये तुम हो, तुम्हारे अंदर मिठास साइंस से आने वाली नहीं, सोशल से आने वाली नहीं, दीन से तुम में मिठास आने वाली है बेटा। इसको निकाल के फेंक सकते हैं अपन शक्कर को, लेकिन अंदर का सिक्का निकल जाता। दुनिया की हर चीज निकल के चले जाती, लेकिन दीन नहीं निकलने वाला है बेटा। अब तुम लोग बचपन में खाना खाने से पहले कौन सी दुआ याद करें? क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह। अच्छा, कहीं भूलते तुम लोग? भूलते नो। सोने से पहले क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया। मरे दम तक नहीं भूलने वाले तुम लोग। मस्जिद में आते हुए अल्लाहुम्मा फताली, मरे दम तक नहीं भूलने वाले तुम लोग। सोकर उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वैल, मरे दम तक नहीं भूलने वाले लोग। ये शक्कर है तुम्हारे अंदर जा रहा माशाल्लाह। दीन बेटा, दीन को नहीं छोड़ना है बेटा, इंशाल्लाह। बोलो बेटा, कभी छोड़ेंगे? बेजार होंगे? क्या भाई, नमाज 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 क्या है भाई, उठे के बैठे के नमाज ऐसा बोलेंगे? कारोबार में हूं अजा, कारोबार में हूं अजा ऐसा बोलेंगे? उसी से हमारी जन्नत है बेटा, वही हमारी जन्नत है। और मैं बड़े जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, यही उम्र है इन बच्चों को दीन सिखाने की। 10 साल से पहले जो सीख है वही उम्र भर रहने वाला है। 10 साल से पहले जो सिखाओगे आपके बच्चे जानते हैं आप। अच्छा भाई, जरा बड़े बताइए क्या है ये?
बड़े खवातीन, क्या ये पेपर है? इस पेपर पर मैं कुरान लिखना चाहूं तो? जल्दी बोलो, बोलो। वेरी गुड। मैं हदीस लिखना चाहूं तो? मैं अगर आदाब लिखना चाहूं तो, दुआएं लिखना चाहूं तो, पक्का लिख सकता हूं मैं? इसमें मेहंदी डिजाइन करना चाह रहे हैं तो? ड्राग नहीं कर सकते? मेहंदी कर सकते बेटा? अभी नो जैद क्या कर रहे मालूम? यहाँ पर पहाड़ उतार रहे हैं, बीच में सूरज निकल के आ रहा है, यहाँ हट है, यहाँ नदी है, यहाँ वो मतलब कश्ती है। ड्रा कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते, जो चाहे कर सकते। लेकिन बेटा अगर इस पेपर के बजाय ये पेपर अगर तुमको दिया जाए तो इसमें कुरान लिख सकते, हदीस लिख सकते, दुआएं लिख सकते, आदाब लिख सकते। अच्छा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये भरा हुआ है। तो आज अब फिलवकत आपके बच्चों का जहन ऐसा खाली है, तुम जो सिखाओगे सीख जाएंगे बच्चे, अगले 5 साल के बाद उनका माइंड न्यूज़पेपर इधर भरने वाला है, तब सिखाओगे, नहीं सीख सकेंगे बच्चे आपके। भर जाता ना सॉफ्टवेयर तो ऐसा भरता। अच्छा ये न्यूज़पेपर है, इसके कितने पेज होंगे भाई? 16 पेज है इसके। बड़े लोग गौर कीजिए आप लोग, 16 पेज को A to Z पढ़ के देखिए आप, आपके काम की 5 बातें भी नहीं मिल सकते इसमें। 5 बातें भी आपके हिसाब के काम की नहीं, बकिया हजारों बातें इनरिलेटेड आप काम की नहीं है। तो बच्चों के जहनों में ऐसी बातें भरने वाले हैं जो उनको काम ही नहीं आने वाले, किसी भी जगह काम आने वाले है कि नहीं, ऐसी बातें भरने वाले हैं। कबल इसके के वो बातें उनके जहन में भर जाएं, इन बच्चों को दीन सिखाओ माशाल्लाह, इन बच्चों को आदाब सिखाओ, इन बच्चों को दुआएं सिखाओ, इन बच्चों को हिफ्ज कराओ, इन बच्चों को जो सिखाना है पहले सिखाना है। क्यों? मान लो फॉर एग्जाम्पल अब एक छोटा कांटे का झाड़ है, इतना अच्छा होने इतना अच्छा कांटे का झाड़, ओके। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना कांटे का झाड़ है, अब मैं उसको उखाड़ता हूं, नहीं उखाड़ सकता हूं? बोलो। अच्छा अब ये कांटे का झाड़ जरा बड़ा हुआ तो तब भी उखाड़ सकता हूं, अब वो कांटे के झाड़ में इतना हुआ तो उखाड़ सकते, अगर बड़ा हुआ तो मुश्किल है। अब जो बच्चे आज अगर गाली दिया तो छोटा पौधा है, अब भी सिखाना उसको, छोड़ दोगे गाली बढ़ते 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 झाड़ बनने वाली है, तब आप उसको छुड़ाना चाहोगे तो नहीं छुड़ा सकोगे, वो झाड़ को उखाड़ना चाहो तो नहीं उखाड़ सकोगे। अभी से इसके अंदर वो कांटा है ना निकाल के फेंक देना इंशाल्लाह। अच्छा अब ये बच्चा फॉर एग्जाम्पल अच्छा काम करा तो अच्छे काम का आम का झाड़ इतना है, अब उसको उखाड़े तो उखाड़ सकता हूं, और बड़ा हुआ उखाड़ सकते, इतना हुआ तो उखाड़ सकते, उतना हुआ तो मतलब अच्छी बात अगर आज बच्चा हमारा सीखता है, वो अच्छी बात बढ़ते 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 बड़ी हो जाती है, कल दुनिया उसको उखाड़ना चाहो तो नहीं उखाड़ेगी, उखाड़ नहीं सकेगी। अच्छी बातें जो आज हम सिखा रहे हैं ना, कल बड़ा झाड़ बनने वाला है, वो झाड़ बन जाने के बाद कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्यों? अच्छी बात मजबूत होगी माशाल्लाह। तो आज इन बच्चों को जो अच्छी बात सिखा रहे हैं ना, बहुत खुश नसीब लोग हैं माशाल्लाह। इसीलिए नबी ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सबईन। 7 साल है स्टार्ट करो, 7 साल से लेकर 10 साल तक 5000 नमाजें उसकी लाइफ में आ रहे हैं, 5000 मरतबा बोले 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 फिर भी नहीं पढ़ा, चढ़ा क्या करना है, एक थप्पड़ मारने का परमिशन दिया गया, 5000 बार बोले उसको फिर भी नहीं पड़ा, तो अब हल्का सा मार मारने कहा बन जाता। लेकिन नबी 10 साल से पहले शुरू करो बोल रहे हैं, तो आपके बच्चे 10 साल से कम है ना, ये बहुत ही गुड लक बच्चे हैं, यहीं से इनका फ्यूचर बनने वाला है। जितना जल्द हो सके दीन सिखाना याद रखो आप, जितना लेट हो जाएगा उतने ही प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उतने ही मसाइल का सामना करना पड़ता।
अच्छे बच्चों ये बताओ जरा ये क्या है? शाबाश, क्या है बेटा ये? फुटबॉल। फुटबॉल को हाथ से मारते लात से मारते? हाँ पक्का? कौन कौन किसको मालूम है फुटबॉल को लात से मारते बोल के? अरे बस 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 बेटा बस बस आपको बेटा फुटबॉल को हाथ से मारते लात से मारते? लात से मारते। मान लो ये पूरी टीम है, मैं लात से मारा वहां जाता, उन्हें लात मारा वहां आता, उन्हें लात मारा यहां आता, इसका काम क्या है? खाली दिन भर लाता खाना है, लाता खाता लाता खाता लाता खाता लाता खाता। ये जिसके मुकद्दर में है, क्यों इसके अंदर क्या है? वेरी वेरी गुड। क्या इसमें अंदर क्या है? हवा है, खाली है, खाली है तो ये आज लाता खा रहा है। अगर हम इसमें अंदर लोहा भरे तो मारता कोई? इसमें अंदर पित्तल भरे तो, अंदर जो है स्टील भरे तो, अंदर जो है सीमेंट भरे तो? नो। अंदर अगर भरा हुआ है तो कोई भी लात मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, खाली है तो सब लात मारते। अगर हमारे बच्चे भी खोखले हैं, न ईमान है, न एजुकेशन है, न तजुर्बा है, न तालीम है, न हुनर है, न स्किल है, तो ये कल सिर्फ लात खाने वाले, याद रखो आप। कड़वी बात है ये। आज अगर नहीं सिखाओगे तो सिर्फ लात खाने वाले बनेंगे। आज इनके अंदर ईमान भरो, तवक्कुल भरो, तकवा भरो, सबर भरो, दीन भरो, और जो है दुनिया की तालीम भरो, तजुर्बा भरो, तो ये बच्चों को कोई लात मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तो बेटा आप लोग खोखले बनने वाले हैं, भरे हुए बनने वाले हैं? बोलो पक्का ना? हाँ। अब क्रिकेट का बॉल है खड़ा, क्या खाया उन्हें? सिक्स खा मारा कि मार, किससे मारे उसको? बैट से मारे, खड़ाक फोर, खड़ाक सिक्स, खड़ाक टू, किससे मारा खा रहा उन्हें? क्योंकि अंदर से उन्हें भी उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। अगर वही लोहे का बॉल रहा तो मारता उन्हें अब। तो ऐसा बनो कि कोई ना तुमको लात मार सके, ना बैट से मार सके। ऐसे बनो कि तुम जो है कुछ भी कोई तुम्हारे साथ करने की हिम्मत ना कर सके। बेटा अगर ऐसे बनना है ना तो थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता बेटा। मुश्किल क्या करना पड़ता? सामना करना पड़ता। ये क्या है? ये पक्का? किसको पसंद है अंडा खाना? वाह वाह, गुड 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 गुड। बॉयज, हमेशा बॉयज आके रहते माशाल्लाह। क्या हुआ? क्या हुआ? धक्का लगती क्या हो गया उन्हें? फूट गया। धक्का लगते ही फूट गया अंडा। और एक अंडा है, फूटा। कहां फूटा? फूटा, फैला 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 फैला। क्यों बोलो? शेक वो कच्चा अंडा था, इन्हें क्या अंडा है? उबला हुआ। ओ ये उबला हुआ अंडा मजबूत इसलिए है, गर्म पानी में 5 मिनट 10 मिनट अंदर बर्दाश्त 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 करा तो इन्हें ऐसा मजबूत बना। वो अंडा गर्मी को बर्दाश्त नहीं करा, गर्मी का सामना नहीं करा, उन्हें ऐसा धक्का लगते फूट गया बेचारा। तो तुम लोग भी अगर तकलीफ का सामना करना पड़े तो करो बेटा, तुम ऐसे मजबूत अंडे बनोगे इंशाल्लाह। मुश्किल का सामना नहीं करोगे ना, तुम वैसे कच्चे अंडे बन जाओगे बेटा। धक्का लगते ही खलास। तो आज मैं पेरेंट्स से कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चों को मुश्किलात का सामने करने दीजिए। हमेशा लाड 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 नो, हमेशा कैडबरी के लाड़ा लाड़ा नो। तकलीफ का सामना करने दो, काम लगाओ। मेरी बेटी नहीं 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 झाड़ू नहीं दे रहा, झाड़ू लगाओ पहले उसको दियो। नहीं मेरे बेटे कपड़े नहीं, मैं दियो कपड़े धोने लगाओ उसको।
मेरी बेटी चूल्हे में जाना, नहीं 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 दो चूल्हे में जाओ उसको, नहीं मेरे बेटा हाथ जलता, नो 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 जो हाथ जलने दो, आपको मजबूत बनना है बेटा इंशाल्लाह। नहीं बनोगे कैसा होता, कच्चे अंडे जैसे बन जाओगे बेटा। तकलीफ का सामना करना सीखो और पेरेंट्स तकलीफ का सामना करने दो, हर चीज में आप आगे आगे नहीं, बच्चों को लगाओ काम, बच्चों को काम लगाओ, एक बार दो बार पांच दस बार लॉस हो सकता लेकिन फायदा बाद में जरूर होगा इंशाल्लाह। बेटा हम अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे, आप बोलो सही से बोलो, सही से बोलो, दिल से बोलो, अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग अच्छे बने तो किसका फायदा है बोलो, शाबाश। अच्छे बने तो अम्मी खुश होते नहीं होते, अब्बू खुश होते नहीं होते, अच्छे अक्का मानी करे तो अब्बू झिड़कियां, अम्मी झिड़कियां, टीचर चौप झिड़कियां, झिड़कियां झिड़कियां, अल्लाह भी झिड़कियां, तो खाला जाओ पड़ाल तो जन्म। अच्छे बने के बेटा इंशाल्लाह वादा करो, चलो वादा करो, वादा करो, आजाद करो इंशाल्लाह हम लोग अच्छे बनेंगे, शैतान से बचेंगे, फोन से बचेंगे, दिल से बोलेंगे हाँ, और अम्मी को खुश करेंगे, अब्बू को खुश करेंगे, अल्लाह खुश करेंगे। बेटा देखो आखिरी बात कहकर मेरा टाइम खत्म हो चुका मुल साहब, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात क्लोज करने वाला हूं। ये क्या है बेटा, वाओ ये क्या है, ये क्या है, पैसे ओ ये मालूम तुमको। मैं रास्ते में जा रहा था, ये भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, कौन सा उठाते अपन, ये क्या उठाते यारो, दुनिया किसको उठाती, पैसा उठाती, हाँ पैसा पैसा इसको उठा दुनिया, इसको उठाते खुंदल के जाते इसको। अच्छा क्यों इसको उठाते, इन्हें काम का है, इन्हें क्या है, इन्हें काम का, इन्हें इतना ज्यादा काम नहीं आता, इन्हें काम आता, ओ तो मतलब एक ऐसा पड़ा हुआ है जो काम को नहीं आता और एक पड़ा हुआ है काम का है, दुनिया काम आने वाली चीज को उठाती। तो तुम लोग भी अगर काम के है दुनिया तुमको उठा लेके आपको रेस्पेक्ट देती, अगर तुम लोग काम के नहीं है तो दुनिया खुंदल के जाने वाली है बेटा। काम के बनना है बेटा आप लोगों को, अगर तुम काम के हो ना, तुम परेशान में है ऐसा पड़ा हुआ है, कोई छोड़ता उसको नहीं, ऐसा 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 लेके ऐसा लेके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा ऐसा करके फिर लेके फिर इन काम का छे, इन्हें कितनी परेशानी में हो फिर भी काम का छे, पानी में गिरा फिर भी लेके ऐसा सुखा के इस्तरी करके फिर लेके, लेकिन अगर इन्हें ऐसा हुआ कहां जाता है, इन्हें डस्टबिन में जाने वाला है। तुम लोग काम के है तो दुनिया में हर आदमी लेके सीने से लगा लेता, काम के नहीं है तो क्या करेगा दुनिया वाले, डस्टबिन में डालने वाली है दुनिया। तो बेटा काम के बनो बेटा तुम लोग इंशाल्लाह, वन टाइम मोर इंशाल्लाह, लास्ट टाइम इंशाल्लाह। बहुत बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह, बेटा बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देख के मुझे माशाल्लाह। मैं दुआ देता हूं अल्लाह हमारे प्यारे प्यारे चुन्नो मुन्नो लड्डुओं को अल्लाह तरक्की अता फरमाए, बड़े बनाए, बड़े 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 बनाए इनको, और अम्मी के लिए अब्बू के लिए सदके जारिया बनाए। दुआ देते अम्मी को आप लोग, क्या दुआ देंगे आप लोग, रब्बिरहमहुमा
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا सबसे बड़ा गिफ्ट आपके पेरेंट्स के लिए दुआ है, बस दुआ देंगे इंशाल्लाह। गर्ल्स बेटा दुआ देंगे। अच्छा बच्चे देना आप लोग देते नहीं देते, बड़े खवातीन आपको भी देना चाहिए, बड़े लोग आपको दुआ देना चाहिए। अगर आप लोग अपने मां बाप के लिए आज दुआ नहीं दे रहे हैं, ये आया समझ में? आप दोगे अपने मां बाप को तो ये भी देंगे, आप दोगे अपने मां बाप को तो ये भी देंगे। आप नहीं दिए, इनसे उम्मीद रखी मेरी बेटी दुआ करती, मेरे मरने के बाद मेरी बेटी सदका जारी करती, खर्च करती, रोजा कर... ओ कुछ नहीं करने वाले हैं लोग, हम जैसा करेंगे बच्चे वैसे करने वाले। बस अल्लाह से दुआ है, अल्लाह इस मस्जिद को आबाद रखे। जितनी एक्टिविटी में सुना दिल खुशी हुई, दिल मेरा बाग बाग हुआ। ये सिर्फ ये मस्जिद नहीं, एक तहरीक है, एक पावर हाउस है, दावा, तालीम, इलाज, तरस, मकतब, हिफ्ज, सब कुछ इसमें है माशाल्लाह। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं, मोहल्ले वाले खुश नसीब हैं, शहर वाले खुश नसीब हैं, इनको ऐसी मस्जिद मिली माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ इस मस्जिद अल्लाह आबाद रखे और हमेशा ऐसी जिंदा ताबिंदा रखे। जिम्मेदारों को, मुसल्लियों को अल्लाह हमेशा अमन अपने अमन हिफाज में रखे और मुसीबतों बलाओं से बचा रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।